विरोधी ईडी छाट लैंड फॉर जॉब स्कैम रे लालू को परिवार उपरे रेड कोटी नगद मिलता दावी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जेरा पाई सीबीआई समन से दिल्ली अबकारी दुर्नीति नहीं बीआरएस नेत्री को जेरा मनीष सिसोदिया भी पचराउचरा चिंता बढ़ाऊ थंडा ज्वर काश ओडिशार 68 जन H3N2 आक्रांत चिन्हट होता आरएमआरसी सूचना मार्गदर्शिका जारी करने राज्यगुड़ी केन्द्र निर्देश संक्रमण रोकने कोरोना भली कटकणा फेर आशंका विधानसभा स्थायी कमिटर चांचल्यकर रिपोर्ट ऋण नहीं फेराउ ना स्वयं सहायक गोष्ठी रिपोर्ट आधार में सरकार को घेरला बीजेपी बीजेडी कहला सारा ओडिशा मां को अपमान करुछंती विरोधी अतिब अपार्टमेंट पंजीकरण नहीं प्रतिबंधक नुआ ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना बिल आणिबे राज्य सरकार मालिकों को मिलिबो अधिकार संघ नारी पंजीकृत है बस कमन एरिया बिल प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी पर स्वागत कले उभय बिल्डर और ग्राहक ओडिशा आकाश में बारंबार ठाप होती चीन पारा केन्द्रापड़ा पुरी और सुंदरगढ़ उधार हेले चारोटी गुईंदा पारा सुनाबेड़ा मेक फैक्ट्री और चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी उपरे चीन रो आखि नहीं बढ़ला संदेह दुईार चबीस साधारण निर्वाचन पर प्रमुख राजनैतिक दलर रणनीति केन्द्रीय अबला प्रसंगे गां गां जावाई बीजेडी नेता निर्देश एवं दुर्नीति भ्रष्टाचार प्रसंगे सरकार विरोधी हवा तैयारी कर बीजेपी आसुचार केन्द्रीय नेता विरोधी ईडी छाट आज आम तीन प्रमुख दल नेता कथ कहू जहां विभिन्न दुर्नीति ईडी चढ़ाऊ कर पचराउचरा कर मोदी विरोध में स्वर उठाई आरजेडी बीआरएस और आम आदमी पार्टी तीन नेता ईडी जाल में पड़ते लैंड फॉर जॉब स्कैम मामलें आरजेडी नेता तथा बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री लालू यादव परिवार उपरे ईडी रेड कर 600 कोटी टंकार एक दुर्नीति मामलें चढ़ाऊ बेले नगद 1 कोटी टंका जबत होता दावी कर ईडी तेजस्वी यादव को समन पर सीबीआई नोटिस पठाई भी से हाजर होना दिल्ली अबकारी नीति दुर्नीति मामलें भारतीय राष्ट्र समिति नेता तथा तेलंगाना मुख्यमंत्री झील के कविता जेरा कर ईडी प्राय 8 घंटा धरी जेरा कर ईडी तेरे तीन प्रमुख दल नेता कथा संपर्क आम आलोचना करूँ जहां विभिन्न दुर्नीति नहीं ईडी चढ़ाऊ कर सेमानको पचराउचरा मोदी विरोध में स्वर उठाई आरजेडी बीआरएस और आम आदमी पार्टी तीन नेता ईडी जाल में पड़ते लैंड फॉर जॉब स्कैम मामलें आरजेडी नेता तथा बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री लालू यादव परिवार उपरे ईडी रेड कर सीबीआई और ईडी जाल में फसी बिहार राजनीतिर हाई प्रोफाइल परिवार लालू यादव परिवार लैंड फॉर जॉब स्कैम जांच एजेंसी एबे पूरा परिवार को जेरा करुछियो तदंत परिसर भुक्त करिछे शुक्रवार लालू और तांके संपर्कियों को 24 ठिकाना रे ईडी चढ़ाऊ होता चढ़ाऊ बेले नगद कोटीए टंका अलंकार किसी कागज पत्र सूचना रही दुर्नीति में लालू यादव पुओ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू तीन झील सामिल थिबा अभियोग होइछे सोमवार दिन लालू पत्नी राबड़ी देवी को सीबीआई जेरा करिथिला एहापरे ईडी रेड करिछे 2004-2009 लालू यादव रेल मंत्री थिबा बेले एभली दुर्नीति होइथिबा अभियोग होइथिला सेबडे शनिवार सीबीआई बिहार उपमुख्यमंत्री तथा लालू को पुओ तेजस्वी को जेरा पई समन पठाई तेबे तेजस्वी जेरा पई हाजर होइ नथिबा जणा पडिछि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने होता है उस पर हम नहीं कुछ बोलते अब जहाँ पर भी हो रहा है कुछ भी हो रहा है जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई हम फिर अलग हो गए 5 साल बीत गया सब रेड हुआ अब फिर हम लोग एक साथ हो गया तब फिर रेड हो रहा तब इसमें क्या कर कितना साल पहले से रेड हो रहा था तब फिर हो रहा तब पूछित कर तेजस्वी यादव बताएं कि 23 साल की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए तेज प्रताप यादव 28 संपत्ति के मालिक बन गए मीसा भारती 23 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन गई तो आखिर इनका पास इनका जवाब नहीं कि आखिर ये इतनी संपत्ति इन्होंने कैसे इकट्ठा कर लिया तेजस्वी यादव ने कभी नौकरी नहीं की क्रिकेट में भी फेल कर गए पढ़ाई भी नहीं कर पाए कोई व्यापार नहीं किया
तो इतने कम उम्र में 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। दिल्ली अबकारी नीति दुर्नीति मामला रे भारतीय राष्ट्र समिति नेता तथा तेलंगाना मुख्यमंत्री को झियो के कविता को जेरा करछि ईडी। प्राय 8 घंटा धरी जेरा करछि ईडी। ए मामला रे मध्यस्थी व्यवसायी एवं राजनेता जड़ित अछंति जहाको ईडी दक्षिण ग्रुप बोली कहिछि। दक्षिण ग्रुप रे थिबा मिडिलमैन राजनेता व्यवसायी के कविताक सह जोगाजोग रे थिबा ईडी सूत्रर सूचना मिलिछि। ए दक्षिण ग्रुप सहायता रे मनीष सिसोदिया बिना परामर्श रे निज सुविधा अनुसार दिल्लीर नुआ अबकारी नीति आनिथिबा अभियोग रहिछि जहाकने विवाद उठिबा परे ए नीति को प्रत्याहार करनिया जायथिला। ते विरोधी नेतामानंकु अपदस्थ करबाकु केन्द्रर बीजेपी सरकार केन्द्रीय संस्थागुडीकु व्यवहार करुथिबा अभियोग आनिछि बीआरएस। ईडी समन आउ नरेन्द्र मोदी समन भितरे कोनोसी पार्थक्य नाही। कोनोसी भी निर्वाचन हेबा पूर्वर प्रथमे ईडी परे मोदी आसुछंती बोली कहिछंती कविता। एबटे ईडी समन को विरोध करि केसीआर कैबिनेटर अनेक मंत्री कविताको दिल्ली स्थित घरे पहुंचिछंती। समर्थक माने तांको घर सामनारे भिड़ जमाउथिबा देखिबाको मिलिछि। ते दिल्ली अबकारी नीति दुर्नीति मामलें भारतीय राष्ट्र समिति नेता तथा तेलंगाना मुख्यमंत्री झियो के कविता ईडी जेरा करिछि। प्राय 8 घंटा धरी जेरा करिथिबा सूचना रहिछि। एहि मामलें मध्यस्थी व्यवसायी और राजनेता जड़ित अछंति जहांकु ईडी दक्षिण ग्रुप बोली कहिछि। क्या कर रहा है मोदी जी, जहाँ पे भी उनका पार्टी कमजोर है, जहाँ पे बीजेपी नहीं जीत जाते हैं, जहाँ पे भी चुनाव है उससे एक साल डेढ़ साल दो साल पहले ईडी और सीबीआई पहुंच जाते हैं, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम बीजेपी का करते हैं। ये डेमोक्रेसी में बदनाम करके बहुत ही बुरी तरीके से गवर्नमेंटल एजेंसीज को इस्तेमाल करके ये अधिकार पाना चाहते हैं सिर्फ। तेज जो दक्षिण ग्रुप कथा कहुच्छे दक्षिण ग्रुप मिडिलमैन राजनेता व्यवसायी के कविताजोगे ईडी सूत्र सूचना दक्षिण ग्रुप सहायता रे मनीष सिसोदिया बिना परामर्श रे निज सुविधा अनुसार दिल्लीर नुआ अबकारी नीति आनिथिबा अभियोग रहिछे। तेबे जहाकु विवाद उठिबा परे नीति को प्रत्याहार करनिया जायथिला। दिल्ली अबकारी नीति मामलें सातदिनिया ईडी रिमांड रे थिबा दिल्ली पूर्वतन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया निज जिद्रे अटल अछंती। तदंतकारी संस्था तांको अटकाई पारिबो नाही बोली कहिछंती आप नेता। तेबे ट्वीट करी मनीष कहिछंती सार आपण मते जेल रे पुराय हैरान करि परिबे किंतु तांकर देश प्रेम भांगी परिबे नाही। ब्रिटिशर माने स्वाधीनता संग्रामी को हैरान करबाकू चेष्टा करथिले, तांकर देश प्रेम भांगी पारि नथिले बोली ट्वीट करी कहिछंती मनीष सिसोदिया। गुरुवार तदंतकारी संस्था ईडी तिहाड़ जेल में सिसोदिया को घंटाए पचराउचरा करिबा परे गिरफ करथिले। शुक्रवार ईडी सिसोदिया को एहि मामलें अधिक पचराउचरा पई 10 दिनिया रिमांड रे नेबाकु आवेदन करथिले, हेले कोर्ट 7 दिन रिमांड पई अनुमति देथिले। चिंता बढ़ाइलाणी नुआ भूताणु, थंडा ज्वर और काशरे गलाणी जीवन। इन्फ्लुएंजा ए रो उपप्रजाति H3N2 भूताणु रे आक्रांत दुई जनक मृत्यु होगा पर एबे एक्शन मोड रे केंद्र सरकार राज्यगुड़ी को चिट्ठी लिखि सतर्क रहा निर्देश देती स्वास्थ्य मंत्रालय। सेपटे ओडिशा रे 69 जनक ठारे H3N2 भूताणु चिन्हट होता सूचना देखते आरएमआरसी निर्देशिका डाक्टर संघमित्रापति। ओडिशा रे 68 जन H3N2 आक्रांत चिन्हट, चिंता बढ़ाइला ठंडा ज्वर और काश, राज्यगुड़ी को मार्गदर्शिका जारी करने को निर्देश। देश में इन्फ्लुएंजा ए उपप्रजाति H3N2 भूताणु आक्रांत दुई जन मृत्यु पर ओडिशा रे सामना को आसला चिंता बढ़ाइला भली खबर। जनवरी और फेब्रुवारी मास रे राज्य में 225 नमूना परीक्षा होता, सेथिमध्यरु 68 जनक ठारे चिन्हट होइछि H3N2 भूताणु। एने सूचना देछंती आरएमआरसी निर्देशिका डाक्टर संघमित्रापति। गत 2-3 मास हेला राज्य रे काश ज्वर पीड़ितक संख्या बढ़िबार लागिछि। 69 जन H3N2 आक्रांत हेबा परे राज्य रे चिंता बढ़ी जाइछि, किंतु ए सबु सत्वे राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कौनसी विधिवत भावे एने गाइडलाइन जारी करा जाइनि। सेपटे देशरे दुई जन आक्रांतंकर मृत्यु हेबा परे केंद्र सरकार पक्षरु एक स्वतंत्र गाइडलाइन जारी करा जाइ राज्य सरकार को चिट्ठी लेखा जाइछि। ये जो परीक्षा आपण कहउछन्ती 69 एटा जनवरी फेब्रुवारी मासर पुरुणा नुह, ए जो फ्लू सीजन रो डाटा उडा एटा
ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ 225 ସାମ୍ପଲ ଯୋଉ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଆମର ତ ଅନଗୋଇଂ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲୁ ଟାଇପିଂ, ଏଇଟା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସର ଡାଟା। ନର୍ମାଲି ଫ୍ଲୁ ସିଜନଟା ଆମର ଥାଏ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିଛି ଟାଇମରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବି ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ସବୁ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜ୍ୟାଦା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣଙ୍କ ଚିଠି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏ ଉପପ୍ରଜାତି H3N2 H1N1 ଆଡିନୋ ଭାଇରସ। ଡିସେମ୍ବରରୁ H3N2 ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ନୂଆ କରୋନା ମାମଲା କମ୍ ରହିଲେ ବି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଅନେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଲାଗି ରହୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ବୟସ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଭାଇରାଲ ନିମୋନିଆ, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି H3N2, ଯେକୌଣସି ଭାଇରାଲ ନିମୋନିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଭାଇରାଲ ନିମୋନିଆ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ସେଟାର ଆଡଭର୍ସ ଆଉଟକମ୍ ଅଧିକା ଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ନି ନିମୋନିଆ ଭାଇରାଲ ନିମୋନିଆଟା, କାରଣ ଆମର ତ ଭାଇରାଲ ନିମୋନିଆ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାହା ବି ତା'ର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଅର୍ଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ କି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର 2 ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକା ହେଲେ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ଲୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ମତରେ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ହେଉଛି। କିପରି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଲେ ଟିସୁ କିମ୍ବା କହୁଣିରେ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କିବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ନ ପକାଇବା, ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ସଙ୍ଗରୋଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କରୋନା ଭଳି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନଜର ରଖାଯାଉ। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଔଷଧ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଉ। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଟିକାକରଣ ଓ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଦେଶରେ ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି H3N2 ଭୂତାଣୁ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏଣେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା ତିଆରି କରିବ ବିଜେପି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ମିଶନ 24 ପାଇଁ ରଣନୀତି, ବିଜେଡିର କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ନାରା, ବିଜେପିର ନାରା ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପାଗ ଭିଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। କିଏ କେଉଁ ତରିକାରେ ଲଢ଼ିବ ସେନେଇ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ନାରା ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏନେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଶାସକ ଦଳ। 5 କେଜି ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର କାଟିବା, ଆବାସ ଯୋଜନା, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେବ ବିଜେଡି। ବାସ୍ତବରେ 2 ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରମୁଖ ହେବ ସେ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦାନା କାଟିବା। 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ, ଅନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ, ତାକୁ କାଟିଦେବା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବାସଗୃହ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ଯାହା ଦେଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଧିକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ତା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶାଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ସେଠି ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଘର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ସେ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ବଜାଇବେ। ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବ ବିଜେପି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବିଜେପି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ
केवल आम सहित अच्छा बोली नुहे सबुबले आमको सामनारु नेतृत्व तेणु निश्चित भाव गस्त ओडिशा को गोटे डायरेक्शन दबा केन्द्र अवहेला कथा तो आउ कहूना कारण केन्द्र जिते टंका दौछि सेतिकी टंका मध्य खर्च करि पारु नाहंती पैसा फेरी जाउछि तो केन्द्र अवहेला जिते बेले से कथा कहि पारु नाहंती गैस रो कथा कहउछंती सेतिर टैक्स कमै दियंतु राज्य सरकार सस्ता हे जइबो। बीजेपी बीजेडी राजनैतिक लड़ई भितरे निजर उपस्थिति जाहिर करिछि कांग्रेस दरदाम वृद्धि प्रसंगे मझे मझे रास्ता कोल्हे केन्द्र विरोधी आभिमुख्य भी स्पष्ट करिछि। 1130 टका पहुँचला गैस दर किंतु नरेन्द्र मोदी मुह फिटुनि पार्टी फिटु ना केमी नियंत्रण दर आसो तापर मुह खोलना कि आज छात्र कांग्रेस गैस दरदाम वृद्धि प्रतिवाद रास्ता को ओह्ल 2019 निर्वाचन परे बीजेडी बीजेपी भितरे से भली जबरदस्त लड़ई देखिबा को मिली नथिला एपरिकी पंचायत और पौर निर्वाचन एकपाखिया बीजेडी कब्जा करिथिला तेणु 2024 निर्वाचन पई एबेठु माहौल प्रस्तुत कलेनी बीजेडी बीजेपी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन विनय समीर और सुरेश को सह मौसुमी महांती ज्योति प्रकाश दास और देवाशीष सासमल का रिपोर्ट कनक न्यूज। जळुछि जंगल जंगल नियारे सारा देश आगरे रहिछि ओडिशा एभळिक चिंताजनक रिपोर्ट एबे सामनाकु आसिछि। नवंबर पहिलारु आजि पर्यंत देशरे सृष्टि होइतिबा जंगली निया मध्यरु ओडिशा रे सर्वाधिक 12217 टि चिन्हट होइछि जेउथिर 882 टि बड धरणर जंगली निया रहिछि जाकि देशरे सर्वाधिक। राज्यरे जळुछि जंगल आउ जंगल नियारे ओडिशा सारा देश में सबुठारु आगरे रही। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रो एक चमकाइला भली तथ्य सामना को आसी जहां समस्तंकर चिंता बढ़ाई। देखंतु ए सैटेलाइट चित्र को हुतु हुतु होई जळुछि जंगल। खरा दिन आरंभ न हेउणु जंगल ले लागिछि निया। नवंबर पहिलारु आज पर्यंत देश में सृष्टि होइतिबा जंगली निया मध्यरु ओडिशा रे सर्वाधिक 12217 टी चिन्हट होईछि जेउथिरे 882 टी बड़ धरणर जंगली निया रहिछि जहाकि देशरे सर्वाधिक। विभिन्न समय रे जंगल निया लागुथबा बळे कर्मचारी को बहु परिश्रम रे निया को आयत्त करबाकु चेष्टा चलाइथिले मध्य ए पर्यंत जंगल निया को आयत्त करिबारे विफल होईछि वन विभाग। जंगल ले काहेकि लागुछि निया जानिशुणी लगा जाउछि कि निया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रो रिपोर्ट अनुसार 7 दिन रे 6829 टी स्थान रे निया चिन्हट चलित वर्ष 12217 टी स्थान रे जळिलाणी जंगल 98 टी स्थान रे एबे भी जळुछि जंगल। 4 मास मध्य रे जेति कि जंगली निया ओडिशा रे होईछि ताठारु अधिक केवल गत 10 दिन रे होईछि। मार्च 3 रु आजि पर्यंत ओडिशा रे देशर सर्वाधिक बड़ धरणर जंगली निया सृष्टि होईछि। मार्च 3 रु आज पर्यंत ओडिशा रे 612 टी जंगली निया विशेष करी अधिकांश जंगल निया कोरापुट पारिपदा ब्रह्मपुर और अनुगुल सर्कल रे रहिछि। सबु रेंज रे हेक्टर हेक्टर जमीरे जंगल निया व्यापुथबा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट रे कहा जायछि। सिमिलीपाल चंदोका बालीगुड़ा तुमुड़ी बंध सुनाबेड़ा नारायणपाटना झरीगां और घुमसर भली रेंज रे भी जंगली निया व्यापुछि। निया लिभाइबा पाई हजाररु अधिक वन सुरक्षा समिति और स्पेशल स्क्वाड नियोजित अछन्ति। एहा सह सचेतनता कराइबा पाई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप मध्य नियोजित अछन्ति किंतु ता सत्वे भी निया आयतकु आसी पारुनि जहां समस्तंकर चिंता बढ़ाइछि। ओडिशा रे सर्वाधिक जंगल ले निया व्यापिथिबा बळे कर्नाटक आंध्रप्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र और मिजोराम रे भी जंगल रे निया व्यापिछि। अधिकांश क्षेत्र रे सचेतनतार अभाव और जानिशुणि निया लगा जाउथबारु निया व्यापुछि वन विभाग रो उद्यम भी फेल मारिछि। ब्युरो रिपोर्ट कनक न्यूज।